हेलो बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पृथ्वी से अग्नि पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक करके सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था और पूरे विश्व में के चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में विश्व भारत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद भी भारत रुका नहीं और ज़्यादा डेवलप्ड मिसाइल बनाने के दिशा में काम आगे बढ़ाया, जो कि अग्नि के रूप में थी। आइए अब पाठ का दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। जब प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और T14 सेकेंड पर थे, तभी कोई एक मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसा कंप्यूटर ने संकेत दिया, इंडिकेशन दिया और उसे तुरंत सुधार भी लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उसके बाद फिर लोअर रेंज सेंटर ने होल्ड के लिए कहा और अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह से होल्ड के संकेत आने लग गए, जिसकी वजह से प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। डॉक्टर कलाम अपने टीम के सदस्यों से मिलने गए जो कि इस वक्त सदमा अर्थात शॉक। दिल पर जब कोई चोट लगती है तो सदमा लगता है, ओके, उसे शॉक कहते हैं। और शोक अर्थात मातम, दुख से ग्रीफ कहते हैं। तो जो टीम के सदस्य थे वे सदमे और शोक की हालत में थे, क्योंकि उन्होंने अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए बहुत तैयारियां की थी और अचानक उसे कुछ होल्ड की वजह से, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा, इसलिए वे बहुत बड़े सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। डॉक्टर कलाम ने उनके साथ अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने SLV-3 क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे कि उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। तो SLV-3 के अनुभव को उन्होंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे एक दो हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। डॉक्टर कलाम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब उन्होंने SLV-3 का प्रक्षेपण किया था तो उस वक्त तो वो फेल हो गया था और उनका जो प्रक्षेपण यान था, लॉन्च व्हीकल तो गिर करके समुद्र में कहीं खो गया था। तो उन्होंने जब उसकी वापस शुरुआत की वो तो फिर से जीरो से शुरुआत किया था। उन्होंने कहा कि आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने ही है, आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं लिया है अभी तक, जिसे कि आप ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है आपका जो कि एक दो हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। इस विवरण ने, विवरण अर्थात व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर कलाम ने जो उन्हें एक्सप्लेनेशन दिया, जो उन्हें समझाया, उस चीज़ ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया था। जैसा कि पहले ही बताया गया कि वे सदमे और शोक की हालत में थे, जिससे कि वे एक जड़ता की हालत में पहुंच गए थे। जड़ता का एक्चुअली दो मीनिंग होता है, एक होता है अचेतनता और दूसरा होता है मूर्खता, ओके। तो यहाँ पर जो है वो अचेतनता आया है। अचेतनता का अर्थ होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि जब किसी चीज़ में जान नहीं होती है तो किस तरह वह एक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसे जड़ता कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब वे सदमे और शोक की हालत में थे तो उस वक्त वे
पूरी तरह से एक तरह से निर्जीव हो गए थे, उनमें कोई जान नहीं बची थी, इस तरह की कंडीशन में वे पहुंच गए थे। तो जब डॉक्टर कलाम ने उन्हें समझाया तो उनके विवरण ने, उनके एक्सप्लेनेशन ने उन्हें झकझोर कर जड़ता की हालत से बाहर निकाला। झकझोरना अर्थात जोर से हिलाना, लेकिन यहाँ पर जो है अंदर से उन्हें जोर से हिलाया गया, अंदर से झकझोर कर उन्हें बाहर निकाला गया कि बस इतने से छोटे से एक लॉन्च कैंसिल होने की वजह से आप लोगों को इतने बड़े शोक या सदमे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को फिर से काम करना चाहिए। जब डॉक्टर कलाम ने समझाया तो सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच, उप प्रणाली अर्थात सब सिस्टम की जांच यानी चेकिंग करने और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई और उन्हें फिर से ठीक करने लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। अगले जब डॉक्टर कलाम ने उन्हें एनकरेज किया तो उसके बाद सारी की सारी टीम काम में जुट गई और अगले 10 दिन तक दिन रात काम चला और उसमें विस्तृत विश्लेषण हुआ। विस्तृत अर्थात डिटेल्ड, व्यापक तौर पर, और विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, छानबीन। तो विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को फिर से तैयार कर दिया और इस बार की डेट थी 1 मई 1989। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। लेकिन जब फिर से प्रक्षेपण का दिन आ गया और प्रक्षेपण हुआ, काउंटडाउन शुरू हुआ, तब फिर से स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि, स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर जांच कर रहा था उसके दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत आया, प्रक्षेपण को फिर से स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। जब रॉकेट विज्ञान, रॉकेट साइंस की बात होती है, मिसाइल और उपग्रह प्रक्षेपण की बात होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ही आम है, आम अर्थात कॉमन है, और अक्सर अन्य देशों के साथ भी ये सब चीज़ होता रहता है। अक्सर अर्थात प्रायः, ऑफन, यह अन्य देशों के साथ भी ये चीज़ें होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। जब दूसरी बार भी प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा तो डॉक्टर कलाम ने फिर से सभी को एक बार संबोधित किया। इस बार DRDL जो है वो, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये जो है DRDO के अंतर्गत आती है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत में सेना के लिए तमाम शस्त्र वेपन्स तैयार करता है। तो उसके अंतर्गत जो एक लेबोरेटरी आती है और RCI अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत में जो भी DRDL के जो भी साइंटिस्ट है वे सब इसी इमारत में रहते हैं। तो इस परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को, जो 2000 से भी अधिक जो मेंबर्स थे RCI के, DRDL के, उनको उन्होंने संबोधित किया अर्थात एड्रेस किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि बहुत मुश्किल से, बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि किसी प्रयोगशाला को, प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी, किसी प्रयोगशाला को या R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान को, किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिलता है। अवसर अर्थात अपॉर्चुनिटी, मौका। यह महान अवसर हमें दिया गया है, यह ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वह हमें मिली है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब हमें बड़े अवसर मिलते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां मिलती है, तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से बराबर की चुनौतियां भी आती है। स्वाभाविक अर्थात नेचुरली, एकदम नैसर्गिक सहज रूप से भी उनके साथ हमें बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां, चुनौती अर्थात चैलेंजेस, अपने साथ बराबर की चैलेंजेस भी लाते हैं, ललकार लाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इन छोटी छोटी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इन समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए, हमें इन्हें हराना चाहिए।
देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश हमसे हम पर एक आशा की उम्मीद लगाए रखा है कि हम कुछ बड़ा काम करेंगे, अग्नि जैसी मिसाइल का सफलता से प्रक्षेपण करेंगे, तो देश हमसे उम्मीद बांधे रखा है। तो हमें इस वक्त देश के लोगों को, देश को सफलता से कम और कुछ भी नहीं देना चाहिए, तो आइए सफलता को अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य अर्थात ध्येय, एम। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। और डॉक्टर कलाम ने अपना संबोधन अभी खत्म ही किया था, संबोधन अर्थात स्पीच, जो आह्वान उन्होंने किया वो लगभग अभी खत्म ही किया था कि उन्होंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ फिर से मिलेंगे। सब बहुत एनकरेज हुए थे और उन्होंने सबने डिसाइड किया था कि अब तो हर हाल में अग्नि का सफलता से प्रक्षेपण करना ही है और करने के बाद ही हम वापस यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे। तो ये हमारा पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का दूसरा भाग था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड जिसका मीनिंग मैंने यहाँ नहीं दिया है, अगर वह छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।